वापस आ गया हमारे लिए तो यही बेहतर है। अब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, चंद दिन गुजरेंगे खुद ही बेहतर महसूस करने लगेगा। इफ्रा के लिए दिल से दुआएं निकल रही हैं अनवर, वही तो है जिसने साहिर को घर आने पे मजबूर किया, वरना ये कहाँ आने वाला था घर। मैंने अपने बेटे का बड़ा दिल दुखाया, मैं उससे नजर नहीं मिला सकूंगा, सब नहीं मिला सकूंगा उससे। अच्छा मैं जरा साहिर को देख के आती हूँ। आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी जो घर पे करना मुमकिन नहीं थी। अनवर साहब मुझे गलत मत समझिएगा, मगर हमारे घर आने से पहले आपका हकीकत को जान लेना जरूरी है। इफ्रा मेरी सगी बेटी नहीं है। हुँ? वो मेरी बीवी के पहले शौहर की औलाद है, जो एक नहायत ही बदतमीज और लालची इंसान था। इफ्रा उसकी बेटी है। मैं उम्मीद करूं कि इस बात का इल्म साहिर और इफ्रा को नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि बच्चों में कोई बदमस्की हो। आप फिक्र ना करें अनवर साहब, मैं आपका एहसान मंद हूँ कि आपने सारी खुलकर हकीकत बयान कर दी। जी, जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा कर दिया। आप फैसला आपके हाथ में। पापा मुझे कितना चाहते हैं ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, बस इफ्रा की फिक्र है। क्यों, इफ्रा ने कुछ कहा है? नहीं, इफ्रा तो बहुत सादा दिल और मासूम है, लेकिन मुझे साजिद साहब पर बिल्कुल एतबार नहीं। वो इफ्रा की शादी नहीं करना चाहते,